रुद्रप्रयाग पुलिस ने सेना की वर्दी की आड़ में ठगी करने वाले युवक को धर दबोचा। पकड़ा गया युवक हिमांशु नेगी, जो कि बैरांगण मंडल जिला चमोली का रहने वाला है। इससे पहले भी इस पर कई आरोपों में कार्रवाई की जा चुकी है। आपको बता दें, 11 दिसंबर को शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम छानी तहसील पैठाणी जिला पौड़ी गढ़वाल हाल निवासी जवाड़ी बाईपास द्वारा कोतवाली रुद्रप्रयाग पर आकर शिकायत की गई थी कि आर्मी की वर्दी पहने एक अज्ञात युवक उनके होटल पर खाना खाने आया और इसी दौरान उसने अपने आप को भारतीय सेना में होने का भरोसा दिलाकर आर्मी कैंटीन से सस्ता सामान दिलाने का झांसा देकर उनकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जो ये बताता है, और ये लड़का चूंकि ये सैनिक की वर्दी में था तो हमने इसके खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया यहाँ पे, और इसके बारे में, इस लड़की के बारे में आपराधिक प्रवृत्ति के बारे में पता किया तो इससे पूर्व भी जो है इसमें मुनिकरी थाने में इस पर चोरी का मुकदमा लिखा गया है, और ये चमोली में भी है, इसके खिलाफ जो है पोक्सो एक्ट में इसमें मुकदमा लिखा गया है। तो ये लड़का काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। इस तरह से हमने इसको बहुत जल्दी और अपने सर्विलांस के माध्यम से और अपने पुलिस टीम के माध्यम से इसको तुरंत गिरफ्तार किया।